साल 2023 भी खत्म होने को आया है और अब तुम सोच रहे होगे कि 2024 के अंदर मैं फोड़ दूंगा, नया स्किल लर्न करूंगा, अच्छे से जॉब करूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा, लाइफ में आगे बढ़ूंगा। यही चीज एग्जैक्टली तुमने सोची थी जब 2023 आने वाला था, है कि नहीं? झूठ बोल रहा हूँ? नहीं ना। और क्या किया? सारा साल टाइम पास में बिता दिया। जो सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको इग्नोर करते रहे। ये काम करना है, करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, चार दिन बाद करूंगा, महीने बाद करूंगा। क्या किया उस काम का? क्या किया जो आपका सपना था आगे बढ़ने का? क्या किया उस सपने का कि मैं लाइफ में कुछ करूंगा, अपने माँ बाप के लिए कुछ करूंगा, अपने भाई बहन के लिए कुछ करूंगा, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ करूंगा? कुछ किया? नहीं किया ना। कड़वी लग रही है मेरी बातें? लगनी भी चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूँ। अभी भी संभल जाओ, सिर्फ 3 महीने बचे हैं 2023 खत्म होने में। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सितंबर 2023 के अंदर, तो अभी भी आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं। 90 दिन बहुत बड़ा टाइम होता है। छोड़ो ये टाइम पास को, ये 90 दिन भी अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करोगे या कोई भी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन फॉलो करोगे तो आई कैन गारंटी यू कि एक्चुअल में लाइफ में कुछ बन पाओगे, अच्छी खासी इनकम अर्न कर पाओगे और अपने सपने पूरे कर पाओगे। तो इस वीडियो में अगेन मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सेकंड सैलरी अर्न कर सकते हो 436 रुपए, 436 रुपीज हर 1 घंटे के प्रोजेक्ट के एज अ सेकंड सैलरी। मतलब अगर आप दिल लगा के काम करोगे, दिन में 1-1.5 घंटा भी निकालोगे तो आप कमा सकते हो 17,000 रुपए हर महीना साइड इनकम एज अ सेकंड सैलरी। अब ये काम क्या है, कैसे होगा, प्रैक्टिकली विद एन एक्सरसाइज फाइल, और आपको ये काम बिना किसी कंपटीशन के कैसे मिलने वाला है, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने वाला हूं। तो आराम से, तसल्ली से सब कुछ समझना। हाय, मैं हूं लोकेश लालवानी और पिछले 12 सालों से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूं और साथ ही में 1,00,000 लोगों से ज्यादा को भी मैं ट्रेन कर चुका हूं और साथ ही में मैं एक एक्सेल बुक का ऑथर भी हूं। तो चलिए समझते हैं इस काम को और स्टार्ट करते हैं सेकंड सैलरी अर्न करना। चलो समझते हैं कि कैसे आप अर्न कर पाओगे 436 रुपए, 436 रुपीज हर 1 घंटे के प्रोजेक्ट के एज अ सेकंड सैलरी। अब बेस्ट पार्ट इसके अंदर ही है कि इसमें हजारों की तादाद में प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। तो अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं या जॉबलेस भी हैं, अगर स्टूडेंट हैं या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा मेहनत करोगे तो दिन में 1-1.5 घंटा निकाल पाओगे और महीने के अर्न कर पाओगे 17,000 रुपीज, 17,000 रुपए एज अ सेकंड सैलरी, विच इज अ वेरी डिसेंट इनकम दैट यू कैन अर्न एज अ सेकंड सैलरी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए समझते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ पेमेंट प्रूफ, कैसे और कितना इस काम का लोग कमा रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये काम कर पाएंगे प्रैक्टिकली इसी वीडियो के अंदर। अगर आपको एक्सेल की नॉलेज नहीं भी है ना तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सेल की नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ इस काम के लिए, और विद अ प्रैक्टिकल फाइल। ये एक्सरसाइज फाइल का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वीडियो देखने के बाद डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर करना, एक्शन जरूर लेना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे आपको ये काम बिना किसी कंपटीशन के मिल सकता है। मार्केट में कंपटीशन है बट काम मिलना इम्पॉसिबल नहीं है, मेहनत करोगे, लगे रहोगे तो आपको काम जरूर मिलेगा। चलिए अब देखते हैं पेमेंट प्रूफ। ऑलराइट, तो हम आ चुके हैं fiverr.com के ऊपर। ये वन ऑफ द टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एज अ फ्रीलांसर काम लेते हैं क्लाइंट से और अर्न करते हैं मनी। अब जो काम की मैं बात कर रहा हूं ये एक्सेल के अंदर डेटा को मर्ज करने का काम है। अब डेटा आप डिफरेंट वर्कशीट्स में भी हो सकता है, डिफरेंट वर्कबुक्स में भी हो सकता है, या एक शीट में बहुत जगह डेटा हो सकता है जिसको आपको एक जगह लेकर आना है, मर्ज करना है। इसी गिग के बारे में हम इसको बोलते हैं, डेटा मर्जिंग गिग ऑफ एक्सेल। जब मैंने सर्च किया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आप देखेंगे कई सैकड़ों गिग्स आ रहे हैं हमारे पास, और कोई चार्ज कर रहा है 436, कोई चार्ज कर रहा है 3400 रुपीज, कोई चार्ज कर रहा है 800 प्लस, कोई चार्ज कर रहा है 1300, कोई चार्ज कर रहा है 7800। तो ये बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। अगर मैं कंजर्वेटिव भी चलूं तो बहुत ही बेसिक सी अगर मैं बात करूं तो मिनिमम अमाउंट जो लोग चार्ज कर रहे हैं वो 436 रुपए कर रहे हैं, मिनिमम अमाउंट। तो आप भी एज अ बिगिनर फ्रीलांसर आप कम से कम तो इतना चार्ज कर ही सकते हैं इस काम का, क्योंकि नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं। अब मैंने एक गिग खोला है यहां पर जिनके बहुत अच्छे खासे रिव्यूज है, 5-star रिव्यूज है, मतलब टाइमली इन्होंने काम किया है, बहुत अच्छे से काम करके अपने क्लाइंट को दिए हैं। सेकंड ऑफ ऑल 182 रिव्यूज है, मतलब सैकड़ों की तादाद में ये प्रोजेक्ट कर चुके हैं। अगर इन्होंने 182 प्रोजेक्ट किए हैं, अगर
आप मिनिमम भी ये मान के चलते हैं, ऑल्दो ये रिव्यूज हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा किए होंगे, अगर आप मान के चलते हैं कि 182 भी इन्होंने किया है, तो 182 इनटू 436 जो मिनिमम अमाउंट है अगर वो भी हम देखते हैं, तो ये ऑलरेडी 80,000 रुपीज अर्न कर चुके हैं, कम से कम मैं बता रहा हूँ कंजर्वेटिवली, इन्होंने कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 लाख रुपए अर्न कर चुके होंगे सिर्फ इसी गिग से। तो काम बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अगर आप देखें तो ये इनका सिल्वर पैकेज है जिसमें बोलते हैं आई विल सेपरेट क्लीन एंड मर्ज द डेटा इन एक्सेल। तो हम मर्जिंग की यहाँ पे बात समझने वाले हैं। जिनका बेसिक पैकेज वो ये बोलते हैं कि 1500 रोज एंट्रीज तक मैं मर्ज करूंगा डेटा, तो चार्ज करूंगा 436। यही है उनका जो स्टैंडर्ड पैकेज है, जो गोल्ड पैकेज है, वो 2500 एंट्रीज तक मर्ज करने का है 871 रुपीज। और प्रीमियम पैकेज में आप देखते हैं 1700 रुपए से ज्यादा चार्ज करते हैं 5000 एंट्रीज तक का। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उसके अंदर आप अनलिमिटेड रोज को मर्ज कर सकते हो विद इन फ्यू मिनट्स, तो आप अच्छा खासा इसमें अर्न कर सकते हो। फिर भी मैं कम से कम ले रहा हूं कि 436 रुपए तो आप मिनिमम अर्न कर ही पाओगे। चलिए चलते हैं अब हम एक्सेल शीट के ऊपर और समझते हैं कि ये काम एग्जैक्टली कैसे होने वाला है। अगर आपको इस वीडियो में अभी तक कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपके करियर में हेल्प करने वाली इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और इन वीडियोस को सिर्फ वही देखते हैं जिनको आगे बढ़ने का शौक होता है। तो लाइक करोगे तो आप जैसे लोगों तक ये वीडियोस पहुंचेगी, मुझे भी हेल्प होगी और उनको भी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं कि क्या काम है एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले आप देखें तो बहुत सारी शीट्स हमारे पास अवेलेबल है और ये हर एक स्टेट का डेटा है। जैसे अरुणाचल प्रदेश का डेटा अवेलेबल है, आंध्र प्रदेश का, असम का, बिहार का, छत्तीसगढ़ का, गोवा का, गुजरात का, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी वर्कशीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। हर शीट के अंदर कुछ ना कुछ डेटा अवेलेबल है, सेल्स का डेटा है। और अगर मैं ध्यान से देखूं नीचे जाकर तो करीबन आप देखते हो तो 100-150 रोज का यहाँ पे हमारे पास डेटा गिवन है। अब ये जो डेटा गिवन है, क्लाइंट ये कहता है कि भाई इनको मर्ज करना है एक सिंगल वर्कशीट के अंदर ये सारी जितनी भी शीट्स हैं। अब ये शीट 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, इनको हमें एक शीट के अंदर लेकर आना है। अब सबसे पहला जो माइंड के अंदर चीज आती है कि हम क्या करें, तो इसके अंदर हम कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। डेटा को कॉपी किया एक शीट के, उसको पेस्ट किया, फिर दूसरी शीट पे गए, उसको कॉपी किया, फिर पेस्ट किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ हम करते चले जाएं। पहली बात तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरी चीज इसमें गलती के चांसेस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से क्लाइंट आपको इस चीज के पैसे नहीं देगा वो ये है कि आप डेटा को डायनामिक नहीं बना रहे। इसका मतलब कॉपी पेस्ट अगर आपने कर लिया और बाद में अगर किसी और शीट के अंदर कुछ भी चेंजेस आएंगे तो आपका जो कंबाइंड डेटा है उसके अंदर वो चेंजेस नहीं आएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। आपको क्या करना है, आपको इसको डायनामिक बनाना है। इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं जिसके थ्रू ये काम करेंगे। और ये ऐसा वन ऑफ द लेस नोन फॉर्मूला है कि क्लाइंट को भी, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स को भी ये चीजें नहीं पता होती, वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी ये चीजें नहीं पता होती। अगर आप ये ट्रिक को यूज करेंगे तो कपल ऑफ मिनट्स के अंदर आप सारे डेटा को कंबाइन भी कर पाएंगे और अर्न कर पाएंगे 436 रुपीज मिनिमम फॉर दिस जॉब। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक शीट को इंसर्ट करेंगे। शीट इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट आई डब्ल्यू का शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो, या ये जो प्लस का सिंबल है इसको भी क्लिक करके नई शीट इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं इसको क्लिक करता हूं, नई शीट इंसर्ट हो गई। मैं इसको सबसे पहले रख लेता हूं और इसको मैं नाम दे देता हूं डेटा, मतलब एक कंबाइंड डेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले चाहिए ये जो हेडर है, हेडर सबके अंदर कॉमन है, तो मैं सबसे पहले इस हेडर को कॉपी कर लेता हूं कंट्रोल सी, और उसके बाद पिछली वर्कशीट में जाके मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल वी। कंट्रोल सी कंट्रोल वी से इसका जो हेडर है वो कॉपी पेस्ट हो गया। इसके बाद ध्यान से देखिए, मैं इस टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक कर रहा हूं ताकि मैं इन सारे कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर सकूं और डेटा सामने मुझे दिख सके। तो उसके लिए मैं किसी भी दो कॉलम्स के बीच की जगह को पिक करूंगा, क्लिक करूंगा और उसको थोड़ा सा ड्रैग करूंगा, तो ये देखेंगे सभी कॉलम की विड्थ बिल्कुल सेम हो जाएगी। इससे शीट बहुत क्लीन दिखती है और जब इस तरह का क्लीन डेटा क्लाइंट को देते हो तो वो बहुत खुश होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं रिजल्ट से, और आपको अच्छी रेटिंग भी देते हैं। ऑलराइट, तो जो फंक्शन हम लोग यूज करने वाले हैं इसके अंदर वो है वी स्टैक इज इक्वल टू से हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। वी स्टैक, आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन आ गया। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक रखना या एक के नीचे एक रखना, तो स्टैकिंग करना। तो वी स्टैक मीन्स वर्टिकल स्टैकिंग, वर्टिकली उसको स्टैक करना है हमें। तो इस फॉर्मूले को मैंने ओपन किया और यहाँ पर आप देखो सिंटैक्स दिख रहा है हमें, एरे 1, एरे 2, एरे 3, मतलब हम मैनुअली जाके इनको सिलेक्शन दे सकते हैं। अब अगेन ये प्रॉब्लम, मैनुअली देंगे 15 शीट है, 50 शीट है,
को काफी टाइम लगेगा और बीच में जरा सा भी इंटरप्शन होगा तो आपको सारा काम दोबारा करना पड़ सकता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। तो हम यहाँ पे एक और ट्रिक यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली वाली शीट के ऊपर जाना है, उसके बाद आपको लास्ट वाली शीट पे क्लिक करना है। बट कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि सबसे पहली वाली शीट ऑलरेडी सिलेक्टेड थी, उसके बाद मैंने शिफ्ट प्रेस करके लास्ट वाली वर्कशीट पे क्लिक कर दिया जो पंजाब के नाम से मेरे पास वर्कशीट है। इसमें होता ये है कि जितनी भी वर्कशीट बीच में होती है वो सारी सिलेक्शन के अंदर आ जाती है। मतलब हमने क्या किया है कि सारी शीट्स को हमने सिलेक्शन दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक रेंज को यहाँ पे हम सिलेक्शन देने वाले हैं पहली वाली शीट की सिर्फ। तो यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो जब आप प्रेस करते हो तो सबसे नीचे तक सिलेक्शन हो जाती है। अगर अभी आप देखें तो 111 रोज यहाँ पे दिखा रहा है, मैं सिलेक्शन थोड़ी और नीचे तक कर देता हूँ। ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने 200 रोज तक का सिलेक्शन दे दिया, ऐसा मैंने इसीलिए किया ताकि कहीं पर अगर 150 रोज हो, क्या 140 हो, 150 हो, 160 हो, 170 हो, मतलब 200 रोज तक की सिलेक्शन की रेंज हर एक शीट से ये उठा ले, ये पर्पस है, ताकि सारी शीट का सारा डेटा इसके अंदर आए। आई नो कि अभी आपके माइंड में आ रहा हो कि इससे तो ब्लैंक सेल भी आ जाएंगे, आएंगे, बट उसको हम बाद में हटा देंगे, लेकिन ये काम बहुत जल्दी हो पाएगा इस तरीके से। उसके बाद मैंने राइट में इसको सिलेक्शन दे दिया जहां तक हमारे पास कॉलम्स हैं, और उसके बाद हमें ब्रैकेट को क्लोज करना है, तो मैं यहां ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं और सिंपली प्रेस करता हूं एंटर। तो आप देखेंगे यहां पर डेटा मेरे पास आ गया है, और अगर मैं यहां पे नीचे तक जाता हूं तो यहां पे मुझे दिखता है करीबन 3000 रोज का डेटा, मतलब इतना सारा डेटा इन शीट्स के अंदर था मेरे पास, जो कि मैंने एक बार में कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया। अभी आई नो कि आपको बीच बीच में जीरोस दिख रहे हैं, वो जीरोस क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि वो ब्लैंक रोज हैं, इतना ज्यादा डेटा उसके अंदर था नहीं। तो अभी हमें क्या करना है, उन जीरोस को हटाना है। बट उससे पहले बेसिक सी चीज मैं आपको समझा देता हूं। इक्वल टू वी स्टैक फॉर्मूला जो अभी हमने यूज किया, उसने क्या किया, आंध्रा वाली शीट से लेके पंजाब वाली शीट तक A2 से लेके J200 तक की जो रेंज है हर एक में से उठाई और एक के नीचे एक वो रखता चला गया। दिस इज व्हाट वी कॉल वर्टिकल स्टैकिंग, और यही हमें काम करना था, यही क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। जो ब्लैंक रोज हैं जीरो वाली उनको हमें हटाना है। देखो बेस्ट पार्ट क्या है, अभी भी ये डेटा चेंज होगा जैसे ही सोर्स शीट के अंदर डेटा चेंज होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अब आपको हटाना है वो जीरो वाली रोज, तो हम सिंपली उसको फिल्टर आउट कर देंगे। फिल्टर आउट करने के लिए सबसे पहले हम शॉर्टकट यूज करेंगे जिससे हम फिल्टर को अप्लाई करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल, तीनों को एक साथ प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल। उसके बाद आप किसी भी कॉलम के अंदर जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है यहां पर आप देखेंगे तो एक जीरो का ऑप्शन आ रहा है, ये जीरो वाली वही रोज है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, जो जीरो है वो भी चेक्ड है, अगर मैं इसको अनचेक करूंगा और ओके कर दूंगा, इससे क्या होगा, जितनी भी जीरो कंटेनिंग रोज होंगी ना वो हाइड हो जाएंगी। तो जैसे ही मैं इसको ओके करता हूं, इसका मतलब जीरो कंटेनिंग रोज हाइड हो चुकी है और हमारा काम यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अच्छी लगी ट्रिक, आपको समझ में आई, इसी चीज के क्लाइंट आपको पैसे देता है और इसी चीज के आप अर्न करोगे 436 रुपए हर एक प्रोजेक्ट के। अभी काम हमारा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम समझने वाले हैं कि बिना किसी कंपटीशन के काम आपको कैसे मिलेगा। बट अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, एक रेगुलर विजिटर है, बट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह का बहुत ही इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट आप तक लाने की मैं कोशिश करता हूँ, ताकि आप करियर में ग्रो हो सको, सेकेंड सैलरी अच्छे से अर्न कर सको और अपने फाइनेंशियल गोल्स को कंप्लीट कर सको। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, साथ में बेल आइकन है, दोनों को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, थैंक यू सो मच हमारे 7 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए। चलिए समझते हैं कि ये काम आपको बिना किसी कंपटीशन के कैसे मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, जब भी हम बात करते हैं टॉप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स की, जैसे freelancer.com, upwork.com, peopleparra.com, fiverr.com, हमारे माइंड में सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। देखो कॉम्पिटिशन है, लेकिन मैं आपको बता दूं अपने 12 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग के अंदर, अभी भी जो तरीके से काम करने वाले लोग हैं वो सिर्फ मुट्ठी भर है। चाहे लाखों लोग इन वेबसाइट्स के ऊपर हों, लेकिन काम कुछ ही लोगों को मिलता है, और वो क्यों मिलता है, क्योंकि वो काम तरीके से करते हैं, वो काम मेहनत से करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक मेहनती इंसान है, आप एक स्मार्ट वर्कर है, हार्ड वर्कर भी है, तो कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आज की डेट में भी आप काम ले सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला सजेशन है, जाइए इन प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपना प्रोफाइल बनाइए, आज नहीं तो कल आपको काम जरूर मिलेगा, और काम इस तरह से करके क्लाइंट को दीजिए ताकि वो आपका अच्छे से अच्छा रिव्यूज डाले और वो देख करके बाकी लोग भी आपको काम देना स्टार्ट हो जाए, नंबर वन। दूसरा, अगर आपको बिना किसी कॉम्पिटिशन के करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने घर से निकलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको आउट ऑफ द वे जाके क्लाइंट खुद लाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको फिजिकली घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, बट आपको रीच आउट करना पड़ेगा ऐसे लोगों को जिनको आपको लगता है कि
उनको इस काम की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे कि छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, वो फुल टाइम एम्प्लॉयज इस चीज के लिए नहीं रख सकते। ऑलराइट, छोटी छोटी दुकानें भी होती हैं आजकल, वहां पर भी एक्सेल का बहुत ज्यादा यूज होता है, वो फुल टाइम एम्प्लॉयज नहीं रख सकती, उनको इन ट्रिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता, वो कई कई दिन इन सब चीजों के ऊपर खराब करते हैं। तो आपको उनको रीच आउट करना है। कहां पर कर पाओगे? लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां करो। और बहुत से जो सेलिंग प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे justdial.com, sulekha.com, इनके ऊपर भी बहुत सारे सेलर्स होते हैं जिनके पास ह्यूज डेटाबेस होता है, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हो और अपनी सर्विसेज के बारे में बता सकते हो। साथ में एक और प्लेटफॉर्म है teacheron.com, यहां से भी आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। इसके अंदर आपको कुछ कॉइन्स स्पेंड करने पड़ते हैं, जहां पर आप असाइनमेंट सेक्शन पे जाकर आप एक्सेल रिलेटेड प्रोजेक्ट ले सकते हैं। अभी तक अगर आपको चीजें क्लियर हो रही है बट बहुत से डाउट अगर माइंड में है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका क्वेश्चन है जरूर पुट कर देना। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ऑलराइट, मैं ट्राई करूंगा जितनी ज्यादा हेल्प मेरे से हो सके मैं करने की। अब हम बात करते हैं कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं तो कितना अर्न कर पाएंगे एज अ सेकंड सैलरी इस काम के थ्रू। तो अगर आप ऐसा पार्ट टाइमर एक घंटे के चार्ज करते हैं ₹436 और दिन में एक डेढ़ घंटा निकालते हैं और हफ्ते के अंदर टोटल 10 घंटे निकालते हैं, तो वीकली आप कितना अर्न कर पाएंगे? ₹4,360, जो कि करीबन महीने का हो जाता है 17,000 से भी ज्यादा, जो एक बहुत अच्छी डिसेंट सेकंड सैलरी है। आई नो अभी भी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि ये काम एग्जैक्टली मिलेगा कैसे, कैसे मैं अप्रोच करूं क्लाइंट को, कैसे मैं नेगोशिएट करूं, कैसे मैं काम को लूं, कैसे मैं काम को डिलीवर करूं, कैसे मैं पेमेंट लूं। ये जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, उन सबको आंसर करने के लिए मैं एक फ्री ऑनलाइन मास्टर क्लास रखने वाला हूं। इस मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, बायो और फर्स्ट कमेंट में गिवन है, और साथ में इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इस फ्री मास्टर क्लास के लिए साइन अप कर सकते हैं। तो इस फ्री मास्टर क्लास के लिए जरूर साइन अप करो, मुझे वहां मिलो और सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझो। और हाँ, इस फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस भी देता हूँ, अपनी बेस्ट सेलिंग ई बुक वर्थ ₹1500, जो आपको हेल्प करती है सेकंड सैलरी अर्न करने में सुपर फास्ट, जो आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। सो डू नॉट वेट, क्लिक ऑन द लिंक बिलो या इस QR कोड को स्कैन करो, साइन अप करो इस फ्री ऑनलाइन मास्टर क्लास के लिए, मुझे वहां मिलो और सारी चीजें डिटेल में समझो कि कैसे आप सेकंड सैलरी अर्न कर सकते हो। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दिल से कि आप 2024 तक अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सको और सेकंड सैलरी अर्न करना स्टार्ट कर सको। और हाँ, मैं आपको इस फ्री मास्टर क्लास में वेट कर रहा हूं।